हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर रंजना भांडे बोल रही हूँ ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल से। आज हम पढ़ेंगे कविता 4, लालची बंदर। एक समय की बात बताऊँ, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। कवि क्या बोल रहे हैं, एक समय की बात बताऊँ, कई दिनों का भूखा बंदर, कई दिनों से एक समय कवि एक समय की बात बता रहे हैं, कई दिनों का भूखा बंदर, कई दिनों से भूखा बंदर था, वो खाने के लिए कुछ पा जाने के लिए घूम रहा था इधर उधर। दिया दिखाई उसको सूने घर में रखा एक घड़ा, और घड़ा भी भुने हुए कुरमुरे चनों से भरा हुआ। उसे क्या दिखाई दिया, दिया दिखाई उसको सूने घर में, एक सूने से घर में उसको एक घड़ा दिखाई दिया, और घड़े में क्या था, भुना हुआ कुरमुरा और चनों से भरा पड़ा। दोनों हाथ साथ बंदर ले फौरन दिए घड़े में डाल, चने भरी मुट्ठियों को वह ले लेकिन पाया नहीं निकाल। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकल ना पाता था, और लालची बंदर मन से चना न छोड़ा जाता था। एक बंदर था, एक समय की बात है, कई दिनों का भूखा बंदर खाने के लिए कुछ पा जाने के लिए इधर उधर घूम रहा था। उसे एक सूने घर में एक बड़ा घड़ा दिखाई दिया, घड़े में क्या था, कुरमुरा और चने से भरा हुआ। दोनों हाथ बंदर ने घड़े में डाल दिया चने भरी मुट्ठियों को, वह लेकिन पाया निकाल नहीं पाया। क्यों नहीं निकाल पाया, क्योंकि घड़े का मुंह छोटा था, हाथ निकाल नहीं पा रहा था, लालची बंदर चना नहीं छोड़ पा रहा था, हाथ उसके ऐसे उसमें ये हो गए थे, मतलब निकालने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था, क्योंकि घड़े का मुंह बहुत छोटा था और हाथ उसमें फंस गया था, और वो चना भी नहीं निकाल पा रहा था, चना भी नहीं छोड़ना चाहता था, और उसके हाथ बाहर भी नहीं निकल रहे थे। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर, बस आ पहुँचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमोन। उस हाथ जो घड़े में हाथ फंस जाने के वजह से कोशिश करते करते उसको बहुत देर लग गई, इतने में क्या हुआ, घर के मालिक राम सुमेर वहाँ पर आ गए। अब खुद सोच तुम ही सकते हो बंदर पर जो कुछ बीती, बच्चों तुम यह बतलाओ बंदर ने की क्या गलती। अब तुम ही सोच सकते हो बच्चों कि बंदर के ऊपर मालिक को देख के क्या गुजरी होगी। बच्चों अब आप ही बताओ कि बंदर ने क्या गलती की थी। नए शब्द सुना जहाँ कोई ना हो, फौरन तुरंत मुट्ठियाँ बंधी हुई हथेलियाँ, लालची जिसे लालच हो, कोशिश प्रयास, मालिक स्वामी खुद स्वयं, गलती भूल अभ्यास। श्रुत लेखन बताओ, भूखा घड़ा कुरमुरे चनों फौरन मुट्ठियाँ मुँह कोशिश मालिक। कविता की बात, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दिए बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर को आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, ग्रुप में इनके आंसर दिए गए, उन्हें देखकर आपको इसे कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।